मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की बधाई दी। शिवराज ने कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मदिन के अवसर पर कहा कि भाजपा पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे के जन्मदिन को संगठन पर्व के रूप में मनाएगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कृष्ण जी ने कहा है, कर्मण्येव वाधिकारस्ते न फलेषु कदाचित, उसी तरह भाजपा संगठन भी कार्य करता है। उन्होंने कहा कि आज के दिन भाजपा के पितृ पुरुष कुशाभाऊ ठाकरे का भी जन्मदिन है। यह 100वीं वर्षगांठ है। भाजपा इसको संगठन पर्व के रूप में मनाएगी। शिवराज ने कहा कि कुशाभाऊ ठाकरे का भाजपा के ही नहीं सभी पार्टी के लोग सम्मान करते थे। उन्होंने कहा, कुशाभाऊ ठाकरे के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का संगठन मध्य प्रदेश में बनाया गया है। भगवान श्री कृष्ण के जन्मदिन की मैं सभी बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम सब भी निष्काम भाव से कर्म करने का प्रयास करें, लेकिन आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे जी का जन्म हुआ था और यह 100वां जन्मदिन अब उनका प्रारंभ होगा और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने भी जन की शताब्दी वर्ष के रूप में संगठन पर्व के रूप में मनाने का फैसला किया है। ठाकरे जी ऐसे महापुरुष थे, संगठक थे, कि केवल भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति से उठ के पूरा प्रदेश, पूरा देश, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोग भी उनका एक समान सम्मान करते थे। आपका ब्राइट फ्यूचर बुला रहा है। फ्रॉम LNCT यूनिवर्सिटी प्रोवाइडिंग प्रैक्टिकल एक्सपोजर फॉर इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, एग्रीकल्चर साइंस, पैरामेडिकल, लॉ एंड मेनी मोर। विजिट lnctu.ac.in। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।